कैथल में जींद रोड पर स्थित रेलवे अंडर ब्रिज की सड़क की खराब हालत के कारण आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंडर ब्रिज की सड़क में खड्डे होने के कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। समाज सेवी लाजपत राय सिंगला ने बताया कि कई बार जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा चुका है। पीडब्ल्यूडी और रेलवे विभाग के अधिकारियों को भी इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन पीडब्ल्यूडी और रेलवे विभाग एक दूसरे पर सड़क निर्माण की जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बरसात के मौसम में पानी भी जमा हो जाता है। कैथल की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जींद रोड पर स्थित रेलवे अंडरब्रिज का उपयोग करता है। आइए जरा समाज सेवी लाजपत राय सिंगला की बात सुनते हैं। ढाई फुट खड्डे हो चुके हैं जी, बहुत ही ज्यादा परेशानी है। आने जाने वाले को लोगों को परेशानी हो रही है कि काफी बार तक लग चुकी है, सिर भी फट चुके हैं और प्रशासन से इसके बारे में कई बार अवगत करा चुके हैं। जब भी कोई मीटिंग होती है तब भी अवगत करा जाता है, पीडब्ल्यूडी एक्शन को भी अवगत करा जाता है फोन पे भी। वैसे भी कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भी आप इसको जल्दी से जल्दी आज उठाएँ और इसको ठीक करवाएं। इस काम करने के लिए तैयार नहीं है और जब भी कोई बताया जाता है तो लॉलीपॉप देकर ही टाल दिया जाता है। पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं रेलवे विभाग करेगा, रेलवे विभाग कहता है पीडब्ल्यूडी करेगा, ऐसे ही लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं प्रशासन से जोर जोर से मांग करता हूँ कि भी इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। ये बहुत ही पुरानी समस्या है, जब से ये अंडरब्रिज बना है उसके साल ही बाद टूट चुका था। इसको से 2-3 साल हो चुके हैं और इसमें बहुत ज़्यादा गहरे खड्डे हो चुके हैं। प्रशासन इसकी तरफ से कोई ध्यान नहीं देता और प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं इसको ठीक कराएं, और जब भी थोड़ी सी बरसात आती है 3-4 फुट पानी भर जाता है। काफ़ी बार तो लोगों की टांग भी टूट चुकी है, फिर भी फट चुके हैं, कोई भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार से भी अवगत करा चुके हैं और जिला प्रशासन को भी अवगत करा चुके हैं, महकमो को भी अवगत करा चुके हैं भाई इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जा सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जींद रोड रेलवे अंडर ब्रिज की समस्या के समाधान के लिए अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।